दोस्तों, आज हम जो बाजार से फ्राइज लाते हैं ना, सिर्फ 3 मिनट में रेडी हो जाती है। और जैसे कि हम मैकडोनल्ड्स वगैरह में जो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं ना, सेम वैसी ही फ्रेंच फ्राइज आज हम घर पर बनाएंगे। और इसे हम है ना डीप फ्रिज के अंदर 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और जब मन चाहे तब इसे सिर्फ बाहर निकाल कर 3 मिनट में तैयार कर सकते, तो है ना एकदम बेस्ट आइडिया। बस इसके लिए हमें है ना यहाँ पर 10 टिप्स का फॉलो करना है, तो आपकी फ्रेंच फ्राइड मार्केट से भी बहुत ज्यादा अच्छी बन जाएगी। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। रोज नए वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दे, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर 3 अलग तरह के आलू दिखाए हैं। आपके पास जो भी हो वो आलू ले सकते हो, जैसे कि वो लाल वाला, और यहाँ पर जो 2 हमारे जो नॉर्मल आलू बाजार में मिलते हैं ना वो भी ले सकते हो। पर हमें है ना आलू को जो एकदम कड़क हो ना वो ही लेने हैं, नरम वाले नहीं। और हमने इसका छिलका हटा दिया है, और उसके बाद है ना आप देख सकते हो कि मैंने उसका टॉप से भी हिस्सा हटा दिया और नीचे से भी थोड़ा सा हिस्सा हटा दिया है, ताकि हमारी जो फ्रेंच फ्राइज है ना बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आए। यहाँ पर ये करना कंपलसरी नहीं है, आप नॉर्मल ही भी कट कर सकते हो, पर आपको मैं ये प्रोफेशनल तरीका दिखा रही हूँ नंबर 2 पे, क्योंकि नंबर 1 हमने आलू को देख लिया है। अब ये कटिंग भी हो गई, और अब आएगा नंबर 3। इसको है ना हमें 4 से 5 बार खुले पानी में धो लेना है, ताकि इसमें से पूरा स्टार्च जो है वो निकल जाए। यहाँ पर 3rd नंबर जो है हमें खास ख्याल रखना है कि 4 से 5 बार हम धोएंगे ना, तो इसमें से सारा जो स्टार्च निकालना जरूरी है। और उसके बाद नंबर 4 आता है, हमें ना एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखना है, और उसके अंदर हमें ना नमक मिला देना है और इसे गर्म करना है। और उसके बाद जो हमने हमारे फ्राइज को 4 से 5 बार धो लिया था ना, उसे हमें ये गुनगुने पानी में है ना, जैसे कि हमने इसके अंदर उंगली रखी है ना, तो हमारी उंगली को चटका लग रहा है, मतलब कि हम बर्दाश्त कर सक रहे हैं, ऐसा ही पानी होना चाहिए। ये नंबर 5 पे आता है, और यहाँ पर जो है हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रख कर इसे है ना पूरे इसके ऊपर बबल्स जो दिख रहे हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद जो जाग दिख रही है, हमें इसको है ना 15 मिनट तक पकाना है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारी फ्राइज के ऊपर जाग दिख रही है वो हमें निकाल देनी है, मतलब कि इसके अंदर का स्टार्च निकल जाएगा। और नमक की वजह से ना जो हमारे आलू में मीठापन होता है ना वो निकल जाएगा। यहाँ पर हमने नंबर 5 को फॉलो कर दिया है, और अभी हमें ना इसको 15 मिनट के बाद दूसरे पानी में ट्रांसपेरेंट कर देंगे। यहाँ पर नंबर 6 आ रहा है, और ये जो दूसरा पानी है ना वो हमने साफ लिया है। अभी हमें ना सारे टिप्स के फॉलो करके ही ये रेसिपी को बनाना है। अब देख सकते हो कि नंबर 1 पानी बहुत ही ज़्यादा वो सफ़ेद सफ़ेद बन चुका था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा नंबर 6 भी हमने कवर किया है, वो फर्स्ट वाला पानी यूज़ नहीं करना है। अब ये पानी के अंदर हमें जो फ्रेंच फ्राइज है ना उसे 75 to 80% तक कुक करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर है ना फिर से नमक का भी यूज़ कर सकते हो, पर हमें है ना इसको 80% तक ही कुक करना है, और पहले वाला पानी हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, उसे चेंज कर देना है। ये मैंने आपको रिपीट दिखाया है। अभी यहाँ पर ये हमारी फ्रेंच फ्राइज है ना, इसके अंदर सॉल्ट नहीं है, जो हमने फर्स्ट वाला यूज़ किया ना उसके अंदर हमने उबाल कर उसे है ना निकाल दिया, तो उसका जो सॉल्ट था वो चला गया, मतलब कि उसके अंदर जो मिठास थी ना जो आलू के अंदर वो चली गई है। हम इसे चेक करेंगे ना तो हमारे आलू की चिप्स है ना वो दबनी चाहिए, मतलब कि ये दबेगी नहीं तब तक हमें इसको कुक करना है 75 to 80% तक। 6 नंबर का आपको खास फॉलो करना है। नंबर 7, हमें है ना इसे 1 घंटे के लिए चाहे तो आप तो धूप में है ना इसे कड़क धूप में रख देना है, या तो पंखे के नीचे 2 घंटे के लिए इसे आप सुखा दोगे ना तो ये रबड़ की तरह हो जाएगी। नंबर 7 का भी हमें खास फॉलो करना है, टिप्स नंबर 7।
अब यहाँ पर है ना, मैंने इसको पंखे के नीचे ही 2 से 3 घंटे के लिए कॉटन के कपड़े के ऊपर बिछाकर सुखा दिया। और 2 से 3 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि मैं इसे खींच रही हूँ ना, तो हमारी जो फ्राइज है ना वो रबड़ की तरह बन चुकी है। मतलब कि हमने जो इसे कुक किया और उसके बाद ठंडा किया ना, तो ये रबड़ की तरह बननी जरूरी है। अब नंबर यहाँ पर आता है 8 नंबर के लिए हमें ना यहाँ पर तेल एकदम गरम करना है और गरम तेल में हमें इसे तल लेना है। तलते वक्त हमें ना खास यही ख्याल रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्राइज एक साथ में नहीं ले लेनी है। यहाँ पर नंबर 8 का फॉलो भी हमें परफेक्टली ही करना है। और ये सारी फ्राइज अभी तैयार नहीं है। आप कहोगे कि पारुल ने क्या कर दिया, 2 बार तो पानी चेंज और 1 बार अभी तल गई, फिर भी खाना नहीं है। तो अभी देखिए, अभी भी हमारे 2 टिप्स बाकी है। इसे हमें ना थोड़ी थोड़ी करके तल लेंगे। आपको पता है कि मैंने बहुत सारी रेसिपी में कहा है कि मैं रिपीट तला हुआ तेल यूज़ नहीं करती हूँ, इसके लिए मैंने बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने सारी जो फ्रेंच फ्राइज तल ली है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। और ये तली हुई फ्रेंच फ्राइज को हमें नंबर 9 का फॉलो करना है कि इसे फ्रीजर में रखना है करीब से करीब 4 से 5 घंटे के लिए, कि जब तक इसके ऊपर बर्फ जम जाए ना तब तक। अब 9 नंबर होने के बाद हम इसे फ्रिज में से निकाल कर सीधा डिफ्राई करेंगे ना, तो 3 मिनट में हमारी मकैंस जैसी, या तो आप मैकडोनल्ड जैसी कहिए, ऐसी फ्रेंच फ्राइज तैयार है। और परफेक्ट लेमन येलो कलर भी आ चुका है। तो दिखाना दोस्तों, हमने 1 से 10 टिप्स पूरे 1 से 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और एक भी जो हमारा यहाँ पर टिप्स है ना, वो बिल्कुल भी नहीं छूटा है। आप ये टिप्स का फॉलो करके आप इस तरह से फ्रेंच फ्राइज बनाइए। और आपकी फ्रेंच फ्राइज कैसी बनी है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आशा करती हूँ कि आपकी फ्रेंच फ्राइज मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छी बनेगी। और यकीन मानिए, इतनी परफेक्ट ये फ्रेंच फ्राइज बनती है ना, कि आप इसे ना जो हमने फर्स्ट टाइम तल के रखा है, उसे आप जिप लॉक बैग में ना डीप फ्रीज के अंदर पूरे 6 महीनों के लिए, या तो एयर टाइट कंटेनर में 6 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हो, पर फ्रीजर के अंदर। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो रोज नए वीडियोस के लिए। तो मैं पारुल जल्दी मिलूंगी और नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इसी तरह से मुझे